फ्रेंड मम्मी हम बाबा के घर आ चुके हैं। ये रहा हमारा बाबा का घर, बाबा रूम में। तो ये यहाँ पे मम्मी और चाचा ने मुझे ये वॉच दी है। हमारा छोटा बेबी कैसे शिवान, सो हैप्पी। लेकिन मैंने फोटो, ये देश का भाई दिवाकर और ये है हमारी दिव्यांशी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं ससुराल में पहुंच गई थी तो ये है हमारा क्यूटी पाई छोटा बेबी शिवांश, गोदी में खिला रहा था और बहुत ज़्यादा खुश था। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। अब आप ब्लॉग में बने रहें, एंजॉय करें मेरे ससुराल ब्लॉग। अब हम जाएंगे आज बुलंदशहर, तो वो भी मैं आपको बुलंदशहर जरूर घुमाऊँगी। आप मेरे ब्लॉग में बने रहना। और जो हमारा शहर पड़ता है बुलंदशहर, तो हम कुछ काम से गए थे तो वही वहाँ का आपको मैं टूर कराऊँगी। फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। और यहाँ पर मैं उठ गई थी सुबह जल्दी, और उठने के बाद मैंने यहाँ पे अपना फ्रेश होने के बाद नहा धो लिया था और पूजा भी कर ली है। तो बस यहाँ पे शिवान सर उसके पापा सोए हुए थे, तो मैं तो जल्दी ही उठ गई थी। उसके बाद हम जाने वाले हैं बुलंदशहर, जैसे कि बताया। और ये मेरे अम्मा बाबा हैं जो शिवान के परदादा और परदादी, तो ये हैं। और दादी जी बहुत अच्छी थी, मतलब जब शिवान छोटा सा था तब भी। तो ये देखा, नाना जी भी यहाँ पर उठा लिए हैं, रेडी कर दिया है उनको। तो मैं कर लेती हूँ पूजा, धूप जला देती हूँ और जल वगैरह चढ़ा देती हूँ। पूजा करने के बाद काना जी को भोग लगा देती हूँ, फिर चाय वगैरह सब पीऊँगी मैं। और शिवांश तो भी सोया हुआ है। उसके बाद हम आज जाएंगे बुलंदशहर मार्केट विजिट करने। तो मार्केट से मुझे बुलंदशहर हमारा शहर पड़ता है यहाँ पे, तो वहाँ से कुछ लेना है मुझे। तो आपको भी दिखाऊंगी अपना बुलंदशहर, घुमाऊंगी जो हमारा शहर पड़ता है ससुराल से। राधा रमण जी, हमारी कन्हैया भाग्य बिहारी, राधा कृष्णा। और यहाँ पे रामायण रखी है, भोले बाबा। ये है राम जी का परिवार पूरा। और ये बिहारी जी की बड़ी मूर्ति है यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दिया जला लिया है और अब मैं पढ़ने। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद ये देखिए, मैंने कान्हा जी के लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर रहा था उनके भोग के लिए। और फिर पीछे से बाबू के रोने की आवाज़ आ रही थी। और जो मेरी ननद की बेटी है ना दिव्यांशी, ये तो मेरे साथ साथ ही घूमती है और बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो मैं यहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी और ये मेरे पास ही आके बैठ गई। और मैंने इसको मेरे पास ही बिठा लिया था, फिर मैं पाठ कर रही थी। और फ्रेंड्स, तो मैंने बाहर इतना अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह गई थी, इतना अंधेरा अंधेरा हो रहा था। और यहाँ तो सब उठ के सुबह सुबह पहले नहा लेते हैं। और ये करना चूड़ियाँ पहनी थी, जैसे बच्चा होता है ना, पर मैं तो चूड़ियाँ पहननी जाती हूँ इस तरीके से। तो मैंने ऐसे ग्रीन और रेड कलर की नहीं ली थी, ताकि पहन तो भी नहीं, तो जैसे कि सावन चल रहा है अच्छा लगता है, चूड़ी पहन के अच्छा लग रहा है, तो हाथ में पहनी देखिए। और फ्रेंड्स, बाहर ना मैं सबकी वीडियो नहीं बनाती, इसलिए मैं बताऊँगी इसके बारे में आपको बाद में। बनाना सुबह फिर इसके लिए बनाइए। छाछ, छाछ लोगी आप यहाँ के पास से हैं, थोड़ी छाछ दे दें। खा ले पापा के साथ खाना खा ले। ये तो क्या मजे ले रहा है इसके। ये क्या फनी चीज करी। अब तू छोटा बच्चा है, पीछे तो छाछ पड़ी है नीचे। जी के लिए भी भूख लगा दिया है, ये बैठे हमारे खाना नहा धो के। और बाहर मैंने दिखाया, बाहर के वहाँ से उसका चला था फिर रहा। मेरे ना घर के ससुराल वाले घर के सामने है ये। हाँ, तो ये मेरा है ससुराल का घर। ये देखिए मेरा घर है इधर। और शिवान साहेब उधर से, वो हमारा इंजन। शिवान बड़ा खुश होता है इंजन देख के।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा ससुराल का जो बाहर से घर का लुक दिखाया था आपको। कैसा व्यू लगा? एक बार तो मैं लास्ट वीडियो में आपको होम टूर कराई चुकी हूँ, घर सारा दिखाया था। अब हम जा रहे थे बुलंदशहर, तो अभी हम रास्ते में थे। यहाँ पे मेरे देवर मेरे साथ जा रहे थे, उनका बेटा था, उसकी तबीयत थी ख़राब और शिवांश का आधार कार्ड बनाना था, कुछ मुझे वहाँ से ख़रीदना भी था, तो बहुत सारी मतलब काम थे और इसलिए हम जा रहे थे बुलंदशहर। तो एक एक करके सब काम निपटा लेंगे। और इसकी बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो इसको भी दिखाना था। देखो हम साथ साथ ही गए थे और बस अब बुलंदशहर पहुँचेंगे। आंटी आ जा रही है, एक और आंटी जा रही है और फिर आगे चल तो यहाँ पर शिवांश के आधार कार्ड की बात कर रहे थे बनवाने के लिए और थोड़ा भैया मना कर रहे थे, तो उनको यहाँ पे कन्विंस कर रहे थे और दोनों यहाँ पे भाई खड़े हुए थे। और ये थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी तो ये थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो रहा था, फिर मैंने इसको बैलून दिए यहीं पे ना बैंक में बैलून लगे हुए थे, तो शिवांश लेके आया था उधर से, फिर इसको बैलून दे दिए और ओमकार को तो खुश हो गया था, मैंने इसे अपनी गोदी में बिठा के रखा। और यहाँ पे शिवांश की फ़ोटो ले रहे थे यहाँ पे, और ये बार बार हंसी जा रहा था क्योंकि लाइट सी पड़ रही थी चेहरे पे, तो बस उसी की तैयारी हो रही थी। और फाइनली इसका आधार कार्ड यहाँ पे बन गया था, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे उधर हॉस्पिटल की तरफ, यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जाएंगे हम हॉस्पिटल। और उसके बाद फिर मैं कुछ कपड़े वगैरह खरीदूंगी। तो यहाँ पे हो गया था इसका आधार कार्ड रेडी, देखिए कितना सुंदर फ़ोटो आया शिवांश का, इस तरीके से हैंड की इसकी यहाँ पे पिक ली थी। यह है नुमाइंस ग्राउंड, यहाँ पे मेला लगता है, देखो कितनी अच्छे से सुंदर कर रखा है डेकोरेट। ये है विराट फॉर्म हाउस, हम इसमें सेलिब्रेट कर चुके थे कुछ, तो हम बैंड्रा में आ गए, हम फ्रेंड्स घूम रहे हैं, हम बैंड्रा में आ गए। हाँ हाँ, ये बैंड्रा नहीं है, दिस इज बुलंदशहर नॉट बैंड्रा, बैंड्रा बैंड्रा याद आ रखे हैं। हैप्पी मारो ज्यादा लेते लेते देखे एक अम्मा बैठी है करीब से, कहाँ बैठी है? तो हम बुलंदशहर की गलियों में घूम रहे हैं, शिवांश का आधार कार्ड बन गया, आप जाएंगे हम थोड़ा शॉपिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमने बताया था हम आए थे बुलंदशहर, तो सबसे पहले बुलंदशहर में काम कराया शिवांश का आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड तो शिवांश का बन गया है। और हम जो मेरी देवरानी का बेटा है यानी छोटा जो है, तो मैं उसके लिए कपड़े वगैरह लेना ही जो भी मुझे उसके लिए गिफ्ट देना है, और वहाँ पर मेरी ननद भी आई हुई है तो उनके लिए भी लूँगी और उनकी बेटी के लिए भी। और बस अभी बुलंदशहर आ गए थे हम टाइम से, तो काफ़ी सारे काम थे क्योंकि जो देवर है ना, तो जो बेटा है उनका भी बीमार हो रहा है काफ़ी आशीर्वाद, तो भी आशीर्वाद के पापा ना पीछे देखो हो रहे हैं, उन्होंने कोई अम्मा को देख लिया था वहाँ, कोई आत्मा से तो बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो आप एक अम्मा को देखा था, तो पैसे देने चले गए थे फ्रेंड्स। अभी आए हैं इसमें शोरूम में यहाँ पर कपड़े लेने के लिए, अभी यहाँ से लेते हैं हम कपड़े। तो देखिए कितना प्यारा शोरूम है, फुल्ली एसी टाइप है, क्या सो फ्रेंड्स बाकी का मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगी, सारी शॉपिंग और कहाँ कहाँ घूमे क्या क्या खरीदा, तो नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगी जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।